हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? आई हो बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज के कंपैरिजन वीडियो में हम तीन बैटल्स को डिस्कस करने वाले हैं, वंडर वुमन वर्सेस माइटी थॉर, और इन दोनों ही फीमेल सुपर हीरोज का कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब आप ढूंढेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, एंड देन बैटल होने वाली है गॉड द गॉड वल्चर वर्सेस डार्क साइड के बीच में। ये दोनों ही मार्वल एंड डीसी के सबसे पावरफुल विलन्स में कंसिडर किए जाते हैं, बट क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। एंड देन बैटल होने वाली है एनएक्स वर्ल्ड गॉड वर्सेस एंटी स्पाइरल के बीच में। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और एक ही वीडियो के अंदर तीन तीन कंपैरिजन हो रहा है, और क्या ही चाहिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो। और ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है अमन स्टोरीज एक्सपर्ट के साथ, तो तुम्हें इस वीडियो में उनका काम भी देखने को मिलेगा। अगर काम अच्छा लगता है तो उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के एक बार जरूर चेकआउट करना एंड उनको भी सपोर्ट करो। सो जैसा कि अभी तक आपको अमन भाई ने बता ही दिया है कि ये कोलैब वीडियो है, एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको डार्क साइड माइटी थॉर एंड एंटी स्पाइरल की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। एंड अगर आपको इस वीडियो में मेरा वर्क अच्छा लगे देन मेरे चैनल पर जरूर विजिट करना, क्योंकि वहां पर भी मैं इसी टाइप की वीडियोस को अपलोड करता रहता हूं। और आपके पास कोई टॉपिक है या फिर कन्वर्सेशन करना चाहते हो मेरे साथ, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर के मुझे फॉलो कर लो। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इनकी पावर एंड एबिलिटीज को डिस्कस करते हैं, एंड देन देखते हैं बैटल किस तरह की रहने वाली है। ओके, तो अब बात करते हैं माइटी थॉर की। सो थॉर के अनवर्दी होने के बाद जेन फोस्टर म्योनियर को लिफ्ट करती है, जिसके बाद वो बनती है माइटी थॉर। माइटी थॉर की स्ट्रेंथ हमारे ओडिनसन थॉर के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। इसका रियल रीजन ये है कि वो एक वुमेन है, बट कॉमिक्स में माइटी थॉर ने लोकी, लॉफी और मेलिकेट जैसे बींग के साथ इनकाउंटर करके उन्हें हराया भी है। उसने ओडिन एंड डिस्ट्रॉयर के अगेंस्ट भी फाइट करके उसने सर्वाइव कर लिया था, जिससे कि आप समझ ही सकते हो कि माइटी थॉर की ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पर है। माइटी थॉर ने मैंगॉक को हरा के पूरे एस्गार्ड को बचाया था, पर इस फाइट में म्योनियर भी डिस्ट्रॉय हो गया था, एंड सिर्फ थॉर के म्योनियर को यूज़ करके देखने से माइटी थॉर ने म्योनियर को मास्टर कर लिया था। एंड इससे आप माइटी थॉर के इंटेलिजेंस लेवल का भी अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड इसके अलावा वो म्योनियर का यूज़ करके काफ़ी तेज़ी से उड़ सकती है, अपनी मर्जी से बारिश भी करवा सकती है और तूफान भी ला सकती है, एंड माइटी थॉर अपना गेटअप भी चेंज कर सकती है। तो अभी आप लोगों को माइटी थॉर की पावर्स का अंदाजा लग ही गया होगा। अभी हम बात करते हैं वंडर वुमन की उन पावर्स की जिनका यूज वो अपनी इस बैटल में करेगी। अगर हम वंडर वुमन की स्ट्रेंथ की बात करें तो वंडर वुमन के पास प्लैनेट लेवल की स्ट्रेंथ है, वो प्लैनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ ही वंडर वुमन का जो कॉम्बैट है वो भी गजब लेवल का है, उसको खुद गॉड ऑफ वॉर एरिस ने ट्रेन करा है। वंडर वुमन हाइपरसोनिक स्पीड से मूव कर सकती है, यानी कि वो बहुत बहुत ज्यादा फास्ट है। वो ओपोनेंट की छाती में तलवार घुसेड़ के भाग जाएगी और उसको वो दिखेगी भी नहीं। वंडर वुमन अपनी फाइट के अंदर अपनी स्पीड का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर लेती है। वंडर वुमन की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी खासी लेवल की है, बट यहाँ पर यार जेन के पास म्योनियर है और म्योनियर से वंडर वुमन को डैमेज होएगा। वो चोट खाएगी लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेगी और फिर से उठ खड़ी होगी और अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके जेन को भी भारी डैमेज देगी। अगर हम वंडर वुमन के वेपन्स की बात करें तो उसके पास है उसका स्वॉर्ड, उसका शील्ड, उसका ब्रेसलेट, उसके लासो ऑफ ट्रूथ और बैटल के बीच में इनका इस्तेमाल वो बहुत ही गजब लेवल का करती है। भाई उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो फाइटिंग स्टाइल है, वो बहुत बहुत गजब लेवल का है। मतलब उसको ना सुपरमैन से भी ऊपर कंसिडर किया जाता है। वो सुपरमैन की आंखें फोड़ चुकी है, डार्क साइड की आंख में एक बार तलवार घुसेड़ चुकी है और कई बार सुपरमैन के हाथ पैर तोड़ चुकी है, कई बार को हरा चुकी है। साथ ही उसने जो ग्रीन लैंटर्न है उसको ओवरपावर कर दिया था, एक्वामैन को हराया है, सुपर गर्ल को हराया है। मतलब ओवरऑल वंडर वुमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जेन की भी यहां पर वो बहुत बुरी तरह से सिट्टी बिट्टी गुल करने वाली है, अपने एक्सपीरियंस के दम पर ही और अपने फाइटिंग स्टाइल के दम पर। यहां पर जो वंडर वुमन है वो अपनी इंटेलिजेंसी का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। उसकी इंटेलिजेंसी का अंदाज आप यहां से लगा सकते हो कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी लैंग्वेजेस है विद सेम एक्सेंट वो बोल सकती है। और इतना ही नहीं, वो फाइटिंग के बीच में ही अपने ओपोनेंट के फाइटिंग स्टाइल को देखती है, उनको समझती है। यार इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें एक एनिमेटेड मूवी के अंदर ही लग चुका था। यार एनिमेटेड मूवी थी, उसके अंदर जो वंडर वुमन थी वो शैज़ान के साथ फाइट कर रही थी और उसको रियलाइज हुआ वो उसको नहीं हरा सकती है, बट उसने अपने इंटेलिजेंसी का यूज किया। उसने लिटरली शैज़ाम के मुंह से खुद शैज़ाम बुलवाया और शैज़ाम को बिली बना करके हरा दिया। तुम समझ रहे हो ना भाई, वंडर वुमन बहुत इंटेलिजेंट है। यार वो जेन के साथ भी बहुत भयंकर बैटल करेगी और इन द एंड मेरे ओपिनियन से तो भाई वंडर वुमन जेन को हरा सकती है यार।
यार जेन के पास बेशक काफी अच्छी इंटेलिजेंसी है, अगर हम उसकी इंटेलिजेंसी की बात करें तो उसने सिर्फ थोर को उसका वेपन चलाते हुए देखा ही था और वो सीख गई उसको, और सीख इस तरह से कि वो थोर से भी बेहतर उस मियोनियर को यूज कर रही थी। और इतने नहीं, उसने ओडिन के साथ भी काफी टफ फाइट करी थी, ओडिन के मुंह से ब्लड भी निकाल दिया था, बट उस वक्त ओडिन अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं थे। और अगर हम जेन की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वो ओडिन के अटैक्स को सर्वाइव कर रही थी, एंड इतना ही नहीं वो बहुत ज्यादा फास्ट भी है और वो मियोनियर का इस्तेमाल करती है, वो भी बहुत बेहतरीन, और इसकी वजह से वो वंडर वुमन के ऊपर बहुत सारे डैमेजेस पाएगी। बट जेन के पास एक्सपीरियंस नहीं है और वंडर वुमन के पास एक्सपीरियंस भर भर के पड़ा है, और एक्सपीरियंस के दम पर जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है वंडर वुमन माइटी थोर को हरा सकती है, बट ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है गॉड द गॉड बूचर वर्सेस डार्क साइड के बीच में। अगर बात करें डार्क साइड की, सो डार्क साइड स्टार्टिंग में तो एक नॉर्मल बीइंग था जिसका नाम युग सैक्स था, लेकिन बाद में वो सभी गॉड्स को हंट करके उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगा, एंड उन सभी की पावर्स को एब्जॉर्ब करके वो लिटरेरी बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया, एंड उसका नाम पड़ा डार्क साइड। सो क्योंकि डार्क साइड एक गॉड है तो वो पजेस करता है वास्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड कॉमिक्स में तो डार्क साइड ने डूम्सडे और सुपरमैन के साथ एक साथ इनकाउंटर किया था, वो भी सिर्फ अपने प्योर स्ट्रेंथ के दम पर, और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल पर है, बट मूवीज में उसको उतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो सिर्फ एरीज के एक हिट से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, बट कॉमिक्स में उसकी ड्यूरेबिलिटी अनइमेजिनेबल है। एंड क्योंकि डार्क साइड एपोकलिप्स का रहने वाला है इसीलिए उसके पास पैराडेमन्स की एक बहुत बड़ी आर्मी है, एंड डार्क साइड की ओमेगा बीम्स भी इतनी ज्यादा डेंजरस हैं कि वो किसी भी बीम को पल भर में ही डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, एंड अगर उसके पास एंटी लाइफ इक्वेशन हो तब तो फिर उसे हराना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि डार्क साइड एंटी लाइफ इक्वेशन की हेल्प से किसी भी बीम के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। तो अभी आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि डार्क साइड एक्चुअली में डीसी का क्यों सबसे पावरफुल विलन बताया जाता है। तो अभी बात करते हैं इसके ओपोनेंट गॉड द गॉड बूचर की उन पावर्स की जिनका यूज वो अभी डार्क साइड के ओपोनेंट में रह करके करेगा। तो सबसे पहली चीज तो उसके पास है नेक्रोस वॉर्ड, और नेक्रोस वॉर्ड एक ऐसा वेपन है जिसकी हेल्प से उसने हजारों गॉड्स को मारा है, और अभी इस वेपन से खुद डार्क साइड भी नहीं बच सकता बिकॉज ये वेपन को डिजाइन ही किया गया था गॉड्स को मारने के लिए। गॉड द गॉड बूचर जिन भी गॉड्स को मारता था उनकी पावर को वो एब्जॉर्ब कर लेता था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता जाता था। उसकी पावर का अंदाजा आप लोग यहां से लगा सकते हैं कि उसने पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की टाइमलाइन के थोर को एक साथ डिफीट किया है, वहां पर ओल्ड किंग थोर भी था, एंड सीरियसली यार गॉड द गॉड बूचर ने बड़े इजीली से उनको अच्छे से डिफीट कर दिया था। गॉड द गॉड बूचर के पास यूनिवर्सल लेवल बींग को डिफीट करने की पावर है अपनी नेक्रोस वॉर्ड के बल पर, और गॉड द गॉड बूचर डार्कनेस को पूरी तरह मैनिपुलेट कर सकता है, वो लाइफ को मैनिपुलेट कर सकता है, वो अपने आप को पूरी तरह से डार्क में बदल सकता है, वो बहुत अच्छे से इस चीज का यूज करता है लाइक अपने बैटल्स में लाइफ मैनिपुलेशन की वजह से वो अपनी एक पूरी ब्लैक ब्रिजर्क आर्मी क्रिएट कर सकता है। यानी कि जैसे डार्क साइड के पास उसकी आर्मी है तो भाई गॉड द गॉड बूचर भी अपनी एक आर्मी बना सकता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। साथ ही जो गॉड द गॉड बूचर है वो किसी की भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो यहाँ पर डार्क साइड को बच के रहना पड़ेगा। और इतने ही नहीं, गॉड द गॉड बूचर ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है, और इन सारी पावर्स को अगर मैं साइड कर दूं ना और सिर्फ उसकी नेक्रोस वॉर्ड को ले दूं तो भाई नेक्रोस वॉर्ड के दम पर ही वो डार्क साइड की सिट्टी बिट्टी गुल कर देगा, बिकॉज भूलो मत नेक्रोस वॉर्ड के बल पर ही उसने हजारों गॉड्स को मारा था, एंड जिन भी गॉड्स को उसने मारा था वो सारे बहुत ज्यादा पावरफुल थे। यार तुम थोर का एग्जांपल भी ले सकते हो। वैसे यार मानते हैं कि डार्क साइड एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पर हम एक्चुअल डार्क साइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अवतार की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डार्क साइड के पास एंटी लाइफ इक्वेशन है, और सच बताऊं तो मैंने कई पॉइंट्स में ऐसा देखा है कि गॉड द गॉड बूचर की वीकनेस माइंड मैनिपुलेशन है। अगर कोई कैरेक्टर माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, तो वो कैरेक्टर गॉड द गॉड बूचर को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है बिकॉज ये उसकी वीकनेस में आती है। तो देखा जाए तो डार्क साइड के पास एंटी लाइफ इक्वेशन की वजह से किसी भी बींग के माइंड को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है, एंड अगर यहां पर डार्क साइड अपनी इस एबिलिटी का यूज गॉड द गॉड बूचर के ऊपर करता है तो गॉड द गॉड बूचर को डैमेज मिलेगा। बट मैं सच बता रहा हूँ भाई, मतलब मान लो कि डार्क साइड को नहीं पता है कि गॉड की वीकनेस माइंड मैनिपुलेशन है ना, यार वो तो तभी पता चलेगा ना जब वो आपस में बैटल करेंगे। पहले तो कैसे ही पता होगा उनको, वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। तो हाँ, गॉड द गॉड बूचर अपने नेक्रोस वॉर्ड से डार्क साइड को कुछ ही देर में मारने की पावर रखता है, एंड ये एक्चुअल बात है यार, बिकॉज यार सबसे पहली चीज तो गॉड के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है भाई। यार उसने हजारों गॉड्स को मारा तो उसके पास तुम समझ ही सकते हो क्या लेवल का एक्सपीरियंस है, और उसके पास नेक्रोस वॉर्ड है जिसके बल पर वो यूनिवर्सल लेवल बींग्स को बहुत इजिली मार सकते हैं। तो यार डेफिनेटली वो डार्क साइड को हरा सकता है जब तक डार्क साइड को उसकी वीकनेस का पता नहीं चलता है, और अगर चल जाता है तो फिर डार्क साइड के पास कुछ पॉइंट्स है यार जीतने के। बट हाँ, मेरे ओपिनियन से गॉड द गॉड बूचर इस बैटल का विनर है।
सो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है एनएस वोल्डिगॉर्ड वर्सेस एंटी स्पाइरल के बीच में। अगर हम एनएस वोल्डिगॉर्ड की पावर्स की बात करें तो उसके पास स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी तो एकदम गजब लेवल की है। तुम उसकी पावर्स का अंदाजा यहीं से लगा सकते हो कि उसने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले बींग को अपने सिर्फ हार्ट बीट के साउंड से ही मार दिया था। उसने अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ टाइम को अपने स्वॉर्ड के सिर्फ एक ही अटैक से पूरी तरह खत्म कर दिया था। एनएस वोल्डिगॉर्ड हमेशा अपने बैटल्स में अपनी पावर्स को होल्ड बैक करता है, बिकॉज उसको पता है भाई अगर उसकी पावर्स उसके कंट्रोल के बाहर चली गई तो वो पूरे वर्ल्ड को अपने सिर्फ कुछ ही पावर्स से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। एनएस वोल्डिगॉर्ड के पास आई ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जो कि उसकी वर्ल्ड की सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज आती है। वो पूरी तरह मैजिक से इम्यून है। इतना ही नहीं, वो मैजिक को मैनिपुलेट कर सकता है, वो अपने हिसाब से मैजिक को चेंज कर सकता है। उसके पास मैजिकल वेपन्स आते हैं, लाइक मैजिकल स्वॉर्ड है जिसका नाम है वेनस दोना, एंड इस मैजिकल स्वॉर्ड की वजह से एनएस वोल्डिगॉर्ड एंटायर क्रिएशन की किसी भी चीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन अपने इस स्वॉर्ड की वजह से एनएस वोल्डिगॉर्ड अपने ओपोनेंट्स को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह खत्म करने की पावर रखता है। एनएस वोल्डिगॉर्ड एक इमोर्टल बींग है, उसके हर्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मरा था। एनएस वोल्डिगॉर्ड फेयर्स को, डेथ को, लाइफ को, टाइम को, स्पेस को, मैटर को, इन सभी को मैनिपुलेट कर सकता है। और इतने नहीं, वो टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी एंड टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स भी रखता है। और यार बाकी पावर्स तो डेफिनेटली उसके पास रहेगी। एनएस वोल्डिगॉर्ड अपने एनिमे के अंदर काफी पावरफुल था, बट अगर हम उसकी नॉवल की बात करें तो नॉवल के अंदर उसकी सारी पावर एंड एबिलिटीज एकदम गॉड लेवल की थी। मतलब किसी भी ओपोनेंट को वो, बट अगर हम नॉवल वाले को देखें तो भाई उसकी पावर्स एकदम गॉड लाइक है। मतलब नॉवल वाले एनएस वोल्डिगॉर्ड के सामने खड़ना एकदम नामुमकिन है। बट यार इसका ओपोनेंट एंटी स्पाइरल बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखते हैं दोनों के बीच में फाइट होगी तो बैटल किस तरह की रहेगी। अब बात करते हैं एंटी स्पाइरल की। अगर बात करें एंटी स्पाइरल की तो एंटी स्पाइरल, जिसे एंटी स्पाइरल किंग के नाम से भी जाना जाता है, और वो सभी स्पाइरल का किंग है। एंड पहले तो वो पूरे यूनिवर्स पर रूल करता था, लेकिन बाद में साइमन ने उसे हरा दिया एंड उसका 10th डायमेंशन पर भी कंट्रोल था, जिसमें इन्फिनाइट मल्टीवर्स, इन्फिनाइट यूनिवर्स, यहाँ तक कि इन्फिनाइट डायमेंशन भी एग्जिस्ट करते थे। एंड एंटी स्पाइरल पूरे मल्टीवर्स में कुछ भी डिस्ट्रॉय और क्रिएट भी कर सकता है। एंड वो एक नेक्सस बींग है, यानी कि मोस्ट पावरफुल। एंटी स्पाइरल पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। उसकी स्पीड अनइमेजिनेबल है। वो 1 मिली सेकेंड में अपियर और डिसअपियर हो जाता है। वो किसी भी डायमेंशन के अंदर फ्रीली जा सकता है और इन्फिनाइट पावर ऑफ स्पाइरल यूज कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एंटी स्पाइरल के पास बहुत अच्छा रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। उसके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन जैसी लिमिटलेस एबिलिटीज हैं। एंड पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ साइमन ही एक ऐसा बींग था जिसने एंटी स्पाइरल को डिफीट किया हुआ है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि एंटी स्पाइरल किस लेवल का बींग है। सो अगर एनएस वोल्डिगॉर्ड एंड एंटी स्पाइरल के बीच में फाइट चलेगी तो बैटल बहुत डिस्ट्रक्टिव रहेगी एंड एंटी स्पाइरल अपनी स्पीड की वजह से प्लस पॉइंट पे रहेगा। देखो एनएस वोल्डिगॉर्ड फास्ट ऐसी बात नहीं है, बट एंटी स्पाइरल बहुत बहुत ज्यादा फास्ट है। एंड जब वो साइमन के साथ फाइट कर रहा था तो वो अपनी बैटल में अपने बहुत सारे पावरफुल अटैक्स का यूज कर रहा था, एंड वो अटैक्स डेफिनेटली एनएस वोल्डिगॉर्ड को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देंगे। बट एनएस वोल्डिगॉर्ड अपने मैजिकल स्वॉर्ड वेनस दोना की वजह से भी एंटी स्पाइरल को काफी प्रॉब्लम दे सकता है। एनएस वोल्डिगॉर्ड जो है डेफिनेटली अपने मैजिक की वजह से एंड अपने आई ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से भी एंटी स्पाइरल को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। बट एंटी स्पाइरल सबसे बड़ी चीज ये आती है कि वो 11th डायमेंशनल बींग है एंड डायमेंशन के हिसाब से वो बहुत ज्यादा पावरफुल आ रहा है। और इस वजह से भाई सीरियसली एनएस वोल्डिगॉर्ड नहीं है इतना हाई डायमेंशनल बींग। और अगर एंटी स्पाइरल की भाई डायमेंशन के बारे में बात करें तो डेफिनेटली, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है एनएस वोल्डिगॉर्ड के कंपेयर में। एंड डेफिनेटली मेरे ओपिनियन से तो इस बैटल का विनर एंटी स्पाइरल है, क्योंकि देखो यार एंटी स्पाइरल बेशक साइमन से हार गया था, बट भाई उसने साइमन के साथ बहुत टफ फाइट करी थी। एंड डेफिनेटली इतनी टफ फाइट वो एनएस वोल्डिगॉर्ड के साथ करेगा, तो यप मेरे ओपिनियन से तो हाँ एंटी स्पाइरल इस बैटल का विनर है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अमन स्टोरीज एक्सपर्ट के चैनल को एक बार जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के जरूर चेकआउट करना। तो अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट बैटल में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो में मेरा वर्क अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको इस वीडियो में मेरा वर्क अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर से चेकआउट करना।